दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक ऑटोमेटिक 12 वोल्ट टू 220 वोल्ट इन्वर्टर सर्किट है। और दोस्तों जैसे ही लाइट जाएगी ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और लाइट आते ही ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 12 वोल्ट रिले और एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम रिले के इस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन हम रिले के इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 47 के रजिस्टर। उसके बाद इस 47 के रजिस्टर को हम रिले के इस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक एलडीआर। उसके बाद इस एलडीआर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे दो पीस D882 ट्रांजिस्टर। उसके बाद ये दो ट्रांजिस्टर का दो एमिटर पिन्स हम रिले के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे दो पीस 2.2 के रजिस्टर। उसके बाद एक 2.2 के रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। उसके बाद दूसरा 2.2 के रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।